फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट से खबर यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस का यह मामला है और आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जवाबुल जवाब सुप्रीम कोर्ट की में जमा करवा दिया गया है। अहले खाना की मलकियती जायदादों की मनीट्रेल देने का पाबंद नहीं हूँ, जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये कहा गया है। अहलिया और बच्चे मेरे ज़ेर कफालत नहीं, इसी वजह से माली मामलात का इल्म नहीं है, ये जवाब दिया गया है उनकी जानिब से। जबकि आपको ये बताते चलें कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के मामले पर जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जवाबुल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है। अहले खाना की मलकियती जायदादों की मनी ट्रेल देने का पाबंद नहीं हूँ, यह कहा गया है जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से। सदारती रेफरेंस का मकसद जजों की ऐबजोई और उनको खामोश कराना है, यह कहा गया है इस जवाब में। अहलिया और बच्चे मेरे ज़ेर कफालत नहीं है, इसी वजह से माली मामलात की तफसीलात नहीं दे सकता, इस बात का पाबंद नहीं हूं, यह जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से। उन्होंने कहा कि मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मेरी साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहली जायदाद 2004 में 2,36,000 पाउंड यानी पाकिस्तानी 2,60,00,000 रुपए में खरीदी थी। दीगर दो जायदादें 2013 में 2,45,000 पाउंड और 2,70,000 पाउंड में खरीदी थी। इससे मुतालिक अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी इकरामुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्ला बताइएगा, तफसीली तौर पर क्या जवाब जमा करवाया गया है जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से? इकरामुल्ला बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस जवाब के मुतालिक? जी, जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जवाबुल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा के जवाब के मुताबिक अहले खाना की मलकियती जायदादों की मनी ट्रेल देने का पाबंद नहीं हो और इसके साथ सदारती रेफरेंस का मकसद जजों की आयब जोई और उनको खामोश कराना है और इसके साथ अहलिया और बच्चों और मेरे अपने जवाब में कहना था कि अहलिया और मेरे बच्चे मेरे ज़ेर कफालत नहीं है, इस वजह से माली मामलात का मुझे इलम नहीं है। काजी फायज ईसा के जवाब के मुताबिक अहलिया और बच्चों के ज़ेर मलकियत जायदादों की तफसील से आगाह करने का नहीं कहा जा सकता और उसके साथ जैसे काजी फायज ईसा ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि इल्ज़ाम लगाकर मेरी शोहरत और सुख को नुकसान पहुँचाया गया है। पहली जायदाद 2004 में 2,36,000 पाउंड पाकिस्तानी पैसे जो रकम बनती है वो 2,60,00,000 रुपए में खरीदी और इसके साथ दीगर दो जायदादें 2013 में बलतरतीब 2,45,000 पाउंड और 2,70,000 पाउंड में खरीदी और इसके साथ जवाब के मुताबिक तमाम जायदादों की मलकियत मुल्क भर में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के जो पोश इलाके हैं उनकी जो एक कनाल की कीमत से भी कम है और इसके साथ कराची में 1,600 मुरबा गज का घर है जो पिछले 10 साल से खाली है। काजी फायज ईसा के जवाब के मुताबिक बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट क्वेटा और जस्ट सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में रिहायश पजीर रहा हूँ और उसके साथ लंदन या बिरोनी मुल्क कोई जायदाद नहीं, ना ही अहलिया की दोहरी शहरियत है। इसके मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो जवाब जमा कराया है इसमें ये भी चीज़ मैंशन की गई है कि कौंसल का जवाब अटॉर्नी जनरल की जानिब से जमा कराना दुरुस्त नहीं है। कौंसल की जानिब से अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने की इजाज़त का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। इसके साथ कौंसल की जानिब से अटॉर्नी जनरल का जवाब जमा कराना आईन की भी खिलाफ वर्जी है। अटॉर्नी जनरल सिर्फ वफाकी हुकूमत को कानूनी मामलात में मशवरा देता है, ना कि निजी प्रैक्टिस करे। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने साबका अटॉर्नी जनरल मलिक कयूम के खिलाफ दायरे इख्तियार से बाहर जाने पर भी कार्रवाई का हुक्म दिया है। जवाब के मुताबिक कौंसल को इख्तियार हासिल नहीं था कि अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने की जिम्मेदारी देते। इसके साथ कौंसल की जानिब से अटॉर्नी जनरल को अपना वकील तफवीज करना आईन की शीख 100 की खिलाफ वर्जी है। काजी फायज ईसा के जवाब के मुताबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, बतौर वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी ये अमल आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी के जमरे में आता है और इसके साथ अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई में मुलविस नहीं होना चाहिए था जिसके लिए वफाक ने इन्हें मुख्तस ही नहीं किया। काजी फायज ईसा के जवाब के मुताबिक किसी वकील को जज के साथ किसी निजी मामले में बातचीत या बहस करने का इख्तियार नहीं है और इसके साथ कौंसल और सेक्रेटरी के मुनासिब जवाब ना आने पर इल्जाम को तस्लीम शुदा तस्वर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया इकरामुल्ला तफसीलन आगाह करने के लिए।